के जांजगीर चांपा जिले के शक्ति परसदा खुर्द ग्राम की महिला कमांडो द्वारा 40 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। शासन प्रशासन एक तरफ गांव में महिला कमांडो की तैनाती कर अवैध शराब, गांजा, जुआ आदि पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपनी जान की बाजी लगाकर अवैध शराब पकड़ने वाली महिलाओं की मदद नहीं करता। ऐसा कुछ ही मामला शक्ति क्षेत्र में सामने आया है। यहां ग्राम परसदा खुर्द में कोई व्यक्ति 40 लीटर कच्ची शराब बेचने पहुंचा था। इस पर जब महिला कमांडो की नजर पड़ी तब उन्होंने बाइक में शराब लेकर आए उस व्यक्ति को घेर लिया। महिला कमांडो ने शराब पकड़कर सीधे थाना पहुंच गई। महिला कमांडो घंटों शक्ति थाने में डटी रही, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। महिला कमांडो के मुताबिक वो SDOP के पास भी गई, जब उन्होंने मामले में कार्यवाही करने का निर्देश दिया, इसके बावजूद अवैध शराब विक्रेता के खिलाफ किसी तरह से कार्यवाही नहीं की गई। सुबह से शाम तक थाना में डटा रहने के बाद शाम को महिला कमांडो वापस लौट गई। ग्राम पंचायत परसदा खुर्द की महिलाएं उप सरपंच के भाई को रंगे हाथ 40 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा था। उसके बाद तत्काल थाने में फोन कर इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंची। महिला कमांडो द्वारा रात्रि में पकड़े दारू को लेकर थाने पहुंची। उसको लेकर भी उप सरपंच के भाई सपंत के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही थानेदार द्वारा नहीं की गई। लगातार महिलाएं शाम तक डटी रही, परंतु अंधेरे होने तक कार्यवाही नहीं होने के कारण महिलाएं निराश होकर अपने साथ लाए हुए शराब के साथ थाने से लौट गई। यह पहला मामला है कि थाने के अंदर शराब आने के बाद भी शराब के साथ पुलिस वाले किसी तरह से जाने दिए और यही थानेदार पुलिस के अधिकारी पास से 10 पाव दारू को लेकर कार्यवाही करने के लिए लाते हैं, परंतु 40 लीटर दारू के साथ पहुंचने के बाद भी शराब के साथ इन महिलाओं को वापस कर दिया गया। यह बड़ी सोचने वाली बात है। और महिलाएं शराब के साथ SDOP के कार्यालय में जाकर बैठी रही। आपके नाम का है और आप थाना अपना महिला समूह आया का कैसे आया? मोर नाम लक्ष्मी बाई पटेल है। हमारे रहने वाला परसदा खुर्द के हैं। हम महिला कमांडो से जुड़े हैं, यानी समिति बनाए हैं। हम दारू के विषय में आए हैं, दारू पकड़े हैं जिसे 3 दिन हुई से आज हमारा हमारे रात के 5 बजे ले किंदार थान किंदार के दे पकड़ थान जो भी कह देवा पकड़ के अब काल किंद्रे हैं। काल किंद्रे हैं तो हमान एक प्लास्टिक दारू पाए हैं और पकड़े के बाद में हमला गाली दे है दुनिया भर के और कछु भी कहे है और पका के वो नाम संपत है। यहाँ हमान कल 10 बजे से लगे हैं, फिर हमार कोई कुछ भी काम नहीं हो, सुनाई नहीं हो। थाना वाला कहा थे कि वह भाग गए हैं, हमन कह रहे हैं वह भाग गए हैं कहीं से घर में और वहाँ से फोन आते हमारे पास फिर कि वह हवा है और फिर दारू ले गए हैं। मतलब पुलिस वाला मन आपके सूचना में कोई कार्रवाई नहीं कराते? अभी ना हमारे रिपोर्ट लिखवाए हैं, अभी कहा थे तुम्हें कहाँ लिखवाए है रिपोर्ट, तुम्हें वहाँ ले रिपोर्ट ये कर लिखवा के लाना पब्ती भी दे हो ही कहा थे। कौन कहा थे बात ला? पुलिस का कहा थे। कौन पुलिस? नाम है क्या होकर? अब नाम ला तो नहीं देखे पहले बता रहे हैं। ये थाना शक्ति क्षेत्र का मामला है। थाना शक्ति अंतर्गत ग्राम खुर्दा की महिला कमांडो की महिलाएं थाना शक्ति आकर सूचना दी कि बीते दिनों उन्होंने गांव में एक व्यक्ति के पास से लगभग महुआ शराब बहुत अधिक मात्रा में था, उसको उसके पास देखा और उसको जाकर जब्त करने वाले थे कि आरोपी वहां से इनके साथ वाद विवाद करते हुए फरार हो गया। इसकी सूचना महिला कमांडो द्वारा थाना शक्ति में दी गई है। इसकी शिकायत आयोजन को थाने में लिया गया है और उसमें जाँच की जा रही है और जो व्यक्ति उनके साथ वाद विवाद किया उसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।